कहते हैं जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं उसे आपसे मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है, और महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2023 की ट्रॉफी चूमे ये सिर्फ धोनी नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स नहीं, बल्कि उनकी फैन फॉलोइंग में शामिल करोड़ों क्रिकेट प्रेमी भी चाहते थे, और कायनात भी इस काम में लग गई। मैच एक दिन बारिश की वजह से डिले हुआ, दूसरे दिन भी बारिश ने खलल डाला। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक कशमकश जारी रही, लेकिन रविंद्र जडेजा ने आखिरी दो गेंदों पर छक्का और चौका जड़कर 10वीं बार आईपीएल का फाइनल खेल रही चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को 5वीं बार आईपीएल की ट्रॉफी चूमने का हकदार बना दिया। और रात को 1:30 बजे भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस और टीवी सेट के सामने टकटकी लगाकर बैठे चेन्नई के महेंद्र सिंह धोनी के करोड़ों फैंस झूम उठे। चलिए अब आपको बताते हैं सांसों को रोक देने वाले इस मुकाबले में कैसे चेन्नई ने गुजरात को शिकस्त दी। पहले टॉस जीतकर गुजरात की टीम ने 214 रनों का अंबार खड़ा किया। जीत के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को 215 रनों का लक्ष्य मिला। ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला ही था कि आसमान से बूंदे गिरने लगी। मैच में बारिश का खलल पड़ चुका था, बारिश पूरी तरह से रुकी और मैदान फिर से खेलने के लिए तैयार हुआ तो चेन्नई को जीत के लिए 15 ओवर में 171 रनों का लक्ष्य मिला। ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे ने अपने मिशन की धमाकेदार शुरुआत की। चेन्नई के ओपनर्स ने गुजरात टाइटंस के हर बॉलर की गेंदों को सीमा रेखा की सैर करवाई। कॉनवे और गायकवाड़ के प्रहार से चौथे ही ओवर में चेन्नई का स्कोर 52 रन तक पहुंच गया। ये ओवर राशिद खान ने डाला जिसमें गायकवाड़ और कॉनवे ने 17 रन बटोरे। दोनों खिलाड़ियों ने 6 ओवर में चेन्नई के स्कोर को 72 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन 7वां ओवर लेकर आए नूर ने चेन्नई की टीम को बेनूर करने वाली दो गेंदें डाली। 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर नूर ने जमकर खेल रहे ऋतुराज गायकवाड़ को राशिद खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 16 गेंदों पर 26 रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का भी लगाया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर चेन्नई के ऊपर एक और बिजली गिरी। ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे डेवॉन कॉनवे को नूर ने मोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। कॉनवे ने 25 गेंदों पर 47 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के भी लगाए। चेन्नई को ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत दे दी थी, लेकिन अचानक 2 विकेट गिरने से टीम दबाव में आई। महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर शिवम दुबे को नंबर 3 पर प्रमोट किया। इधर कॉनवे के आउट होने के बाद अजिंक्य रहाणे ने रनों की रफ्तार को बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। शिवम दुबे संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जरूरत को देखते हुए रहाणे ने लंबे शॉट्स लगाने शुरू किए। 8वां ओवर फेंकने आए जॉश लिटिल के ओवर में रहाणे के 2 छक्कों की मदद से चेन्नई ने 16 रन बटोर लिए। 9वां ओवर फेंकने आए नूर ने सिर्फ 5 रन दिए, लेकिन 10वां ओवर लेकर आए राशिद खान की गेंदों पर रहाणे ने 2 चौके लगाए और चेन्नई ने इस ओवर में 13 रन बटोरे। पिछले मैच में 5 विकेट लेकर धमाका करने वाले मोहित शर्मा की एंट्री 11वें ओवर से हुई। मोहित शर्मा ने इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और रहाणे को विजय शंकर के हाथों कैच आउट करवा के मैदान से विदा कर दिया। मैच रोमांचक होता जा रहा था और अब मैदान में एंट्री हुई अंबती रायडू की, जिन्होंने आईपीएल फाइनल से पहले ही ऐलान कर दिया था ये आईपीएल में उनका आखिरी मैच होगा और वो यू टर्न नहीं लेंगे। 12वें ओवर में अब तक खामोशी से मैदान में खड़े शिवम दुबे ने हाथ खोले। राशिद खान के ओवर में शिवम दुबे ने 2 छक्के लगाए। चेन्नई ने इस ओवर में कुल 15 रन बटोरे। अभी भी चेन्नई को जीत के लिए 18 बॉल पे 39 रन बनाने थे। 13वां ओवर लेकर आए मोहित शर्मा की परीक्षा रायडू ने ली और शुरुआती 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौका लगाकर 16 रन बना दिए, लेकिन अगली गेंद पर मोहित ने अपनी ही गेंद पर रायडू का कैच पकड़कर उन्हें चलता कर दिया। अंबती रायडू ने सिर्फ 8 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली। अपनी इस तेज पारी में रायडू ने 1 चौका और 2 छक्के जड़े। लेकिन चेन्नई को सबसे बड़ा सदमा मोहित शर्मा ने अगली गेंद पर दिया। महेंद्र सिंह धोनी को पहली गेंद पर चलता कर मोहित ने 3रा विकेट ले लिया और स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। अब चेन्नई को जीत के लिए 12 गेंदों पर 22 रन चाहिए थे। रोमांचक मैच धीरे धीरे चेन्नई की तरफ जा रहा था। रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे मैदान में थे। 14वां ओवर लेकर शमी मैदान में आए। शमी ने 14वें ओवर में सिर्फ 8 रन दिए और आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 6 बॉल पर 13 रन चाहिए थे।
और आखिरी ओवर लेकर आए मोहित शर्मा और अगले 6 गेंदों ने रोमांच के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोहित शर्मा की पहली बॉल पर शिवम दुबे रन नहीं बना पाए, दूसरी बॉल पर शिवम दुबे ने एक रन लिया, तीसरी बॉल पर रविंद्र जडेजा ने एक रन लिया, गुजरात टाइटंस की उम्मीदें बढ़ रही थी, चौथी बॉल पर शिवम दुबे ने एक रन लिया तो हार्दिक पांड्या के चेहरे पर मुस्कान थिरकने लगी। Z News.